महिला कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात, नाइट शिफ्ट में काम करने की मिल सकती है इजाजत, मैटरनिटी लीव भी बढ़ाकर 26 हफ्ते करने पर विचार, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। SBI ने NSE में अपनी 5% हिस्सेदारी बेची, हिस्सा 911 करोड़ रुपए में बेचा, मॉरिशियस के वेरासिटी इन्वेस्टमेंट को बेची हिस्सेदारी। सातवें वेतन आयोग और बेहतर मॉनसून से इकोनॉमी का होगा भला, SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने जताई उम्मीद, कहा मॉनसून अच्छा होने से ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ेगी जिससे इकोनॉमी को होगा फायदा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक साथ लॉन्च की 60 डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, सोशल मीडिया के जरिए बैंकिंग के लिए SBI मिंगल नाम की सर्विस शुरू, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने पर मिलेगी ओवरड्राफ्ट की सुविधा। यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पोजीशन देने में देरी पर देना होगा 5 करोड़ का जुर्माना, 12 अगस्त तक रकम नहीं चुकाने पर डायरेक्टर्स को जाना पड़ेगा जेल। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते 8 महीने की ऊंचाई पर बाजार बंद, सेंसेक्स 145 और निफ्टी 41 अंक चढ़कर बंद, तेल एंड गैस रियल्टी कैपिटल गुड शेयर्स में तेजी। जून में करीब 14% घटी मारुति की बिक्री, एक्सपोर्ट में भी दिखी 45% की गिरावट, आयशर मोटर्स की जून बिक्री 18.5%, हुंडई की कुल बिक्री 7% बढ़ी। मुंबई में बेस्ट की एसी बसों का किराया हुआ आधा, नॉन पीक टाइम के बीच यात्रा करने पर यात्रियों को मिलेगी और रियायत। आज से IRCTC की रेल टूर पैकेज महंगे हुए, IRCTC ने सर्विस चार्ज 15% से बढ़ाकर 25% किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामा रमन के अधिकारों पर लगाई रोक, अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से रोक लागू, कोर्ट ने पूछा कैसे एक ही व्यक्ति हो सकता नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का चेयरमैन, 2 हफ्ते के अंदर ट्रांसफर का आदेश।